इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा तथा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट के बाद इसी पोस्ट को रिट्वीट करते हुए जयंत सिंह लिखते हैं, दिल जीत लिया #भारतरत्न। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की अगुवाई वाली रालोद और एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज थी। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच दो सीटों को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन तमाम इन अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पोस्ट के बाद हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर सीट को लेकर सपा और आरएलडी के गठबंधन में खींचतान मच गई थी। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि हरेंद्र मलिक को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। सपा के हरेंद्र मलिक आरएलडी के टिकट पर लड़े, जबकि आरएलडी के कई स्थानीय नेता इसके विरोध में थे और नहीं चाहते थे कि हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर की सीट दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।